नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। लखनऊ के जानकीपुरम स्थित सृष्टि अपार्टमेंट परिसर में महिला शक्ति समूह ने मिलकर डांडिया नाइट का आयोजन किया। अपार्टमेंट्स के सभी परिवार ने मिलकर सबसे पहले गणेश जी की पूजन अर्चना किया, इसके बाद माता की जोत जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान लखनऊ जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष विवेक शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा अपार्टमेंट्स के निवासियों ने ही बच्चों के साथ मिलकर किया है। आने वाले समय में परिसर के सभी निवासी एकता की मिसाल बनकर दिखाएंगे। आज हम लोग मौजूद हैं कुर्सी रोड पे सृष्टि अपार्टमेंट में, और हम यहाँ पर इस पार्क में आए हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ के जो निवासी हैं, जो यहाँ पे जो सृष्टि के जो भी निवासीगण हैं, यहाँ पे एक डांडिया का प्रोग्राम किया गया था, जो कि गरबा का एक कार्यक्रम होता है। उसमें किस तरीके से यहाँ पे किया गया कार्यक्रम, आइए हम जानते हैं। कुछ यहाँ मातृशक्तियाँ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया और कैसे किया गया, किस तरह से इस कार्यक्रम को आप लोगों ने किया, किस प्रकार का प्रोग्राम था ये। प्रॉपरली डांडिया प्रोग्राम था, स्पेशली लेडीज़ के लिए किया गया था, क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं इंजॉय कर लेते हैं, बट हम लोग को ये मौका नहीं मिलता है, तो इस वजह से हम लोगों ने किया कि सारी लेडीज़ों के लिए प्रेफर किया गया है ये प्रोग्राम। क्या क्या अरेंजमेंट था यहाँ, किस तरह का प्रोग्राम आप लोगों ने किया? डांस, ओपन डांडिया, खाने का देखिए स्टॉल लगाया है, इसमें जो चाहे वो। ये बताइए, गरबा किस लिए मनाया जाता है, किस लिए किया जाता है, गरबा का क्या है मुख्य उद्देश्य, क्या है गरबा मनाने का, डांडिया खेलने का क्या उद्देश्य है? ये माता रानी की पूजा का एक तरीका है, आरती भी एक तरीका होता है, दिया जलाना एक तरीका होता है, वैसे ही डांस के थ्रू भी एक तरीका होता है। गरबा डांडिया करके भी हम अपनी भक्ति, अपनी खुशी उनके उनके पर्व में हम कर सकते हैं, तो बस वही चीज़ हमने की है। माँ दुर्गा के नौ रूपों को आप कैसे देखते हैं? हम सभी में हम माँ का रूप हर एक में होता है। माँ के जैसे कात्यायनी रूप है, उनका कालरात्रि है, तरह तरह के उनके रूप होते हैं, तो इन नौ दिनों में हम उन नौ देवियों को पूजते हैं। कैसा रहा आज का कार्यक्रम? आपने आज डांडिया नृत्य इतना बढ़िया हुआ, आप सब लोगों ने इतना बढ़िया व्यवस्था किया, यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा हुए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम लोगों ने डांडिया में बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर हर लेडीज़ ने, जो एक खुल के अपने घर में नहीं डांस करते, कहीं और नहीं कर सकती है, वो यहाँ आकर हम लोगों ने किया। अलीगढ़ में एक शहीद सैनिक का शव जैसे ही गांव पहुंचा तो गांव में सन्नाटा पसर गया। परिजनों की चीख पुकार के बाद गांव में मातम छा गया। बताया जाता है कि शहीद देवेश कुमार इंडियन आर्मी के महार यूनिट में तैनात थे। पीटी ग्राउंड से वापसी के दौरान एक हादसे में वे शहीद हो गए। हजारों की संख्या में शहीद देवेश कुमार अंतिम संस्कार करने पहुंचे ग्रामीणों में मातम छाया हुआ था। हर कोई शहीद देवेश कुमार के अंतिम दर्शन की इच्छा करता नजर आ रहा था। शहीद की सूचना के बाद भाजपा के सांसद राजवीर दिलेर व आला अधिकारी भी गाँव में पहुंचे। सहारा में देवेश कुमार सिंह सेना के गाड़ी रास्ते में एक्सीडेंट होने के बाद मृत्यु हो गई। आज उनके अंतिम संस्कार यहाँ करने के लिए मैं सहारा में आया हुआ था। बड़ी कम भीड़ भाड़ थी, बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने सम्मान के साथ उनको विदा किया, मैं भी इसमें शामिल हुआ था। थैंक यू। ये देवेश कुमार सनोपश्री सुखबीर सिंह निवासी सहारा कला के, ये माहौर रेजिमेंट में पठानकोट ड्यूटी थी इनकी। पीटी के दौरान सड़क दुर्घटना में उनका हादसा हो गया। कहाँ पे तैनात थे? ये पठानकोट में तैनात थे। औरैया जिले में दशहरा का पर्व सत्य और विजय पाने को लेकर मनाया जाता है। रावण के पुतला दहन को लेकर पूरी रूप से तैयारियां हो चुकी हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जहां रावण की लंबाई 45 फीट की गई है। वहीं 100 सालों से चल रही रामलीला और रावण दहन कार्यक्रम पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के कारण कार्यक्रम बंद थे, वह इस बार से शुरू हुए हैं और लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इस समय औरैया के रामलीला मैदान में है, जो रावण का पुतला बनाया गया है और 45 फुट का बताया जा रहा है, लोगों ने 45 फुट का ये पुतला बताया है, और जो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेला भी लगा हुआ है और लोगों में बहुत उत्साह नज़र आ रहा है। और 2 साल से ये मेला सही ढंग से नहीं लगाया गया था, और आज ये मेला का बहुत ही सही ढंग से मेले का आयोजन किया जा रहा है। प्राइम टीवी से ऋषि कुमार।
आगरा में घनी आबादी वाले इलाके में बने अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को गंभीर हालत में बाहर निकालकर दूसरे अस्पताल भेजा गया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियां मौजूद रहीं, तो वहीं अस्पताल संचालक डॉक्टर राजेश और उनकी बेटी व 14 साल के बेटे ऋषि की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि एक बेटे और पत्नी की हालत गंभीर है। आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, मौके पर पुलिस और फायर टेंडर आए, तुरंत काबू पाया गया। और ये अभी मौके पे जो पता चल रहा है कि जो हॉस्पिटल है उसके ऊपर का जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें डॉक्टर फैमिली रहते थे जो नीचे अस्पताल में ही काम करते थे, और ये बताया जा रहा है कि वही अस्पताल चलाते भी थे। जो रेजिडेंशियल एरिया है उसमें आग लगा था और तीन लोगों को रेस्क्यू किया गया, तीनों अस्पताल में है, बाकी उनका इलाज चल रहा है और आगे की कार्रवाई। अलीगढ़ में आरएसएस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं द्वारा अपना स्थापना दिवस हर साल की भांति विजयदशमी के दिन मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में बन्ना देवी थाना क्षेत्र के गूला रोड स्थित गायत्री पैलेस से पद संचालन को प्रारंभ किया गया है। पथ संचालन के साथ साथ भारी पुलिस बल व आला अधिकारी भी मौजूद रहे। आरएसएस के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन पूजन पाठ होता है और विजयदशमी के दिन आरएसएस अपना शक्ति प्रदर्शन इस पद संचालन के रूप में करते हैं। आज विजयदशमी के विजय पर्व पर अपना ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में महर्षि दयानंद भाग, जो अपने महानगर का एक तिहाई हिस्सा है, उसका संचलन यहाँ गायत्री पैलेस से प्रारंभ हो रहा है। और गायत्री पैलेस से प्रारंभ होकर के महावीरगंज होते हुए और ये दहली गेट थाने के सामने से होते हुए खटीकान से और लौट करके यहाँ पर गायत्री पैलेस पर ही ये संचलन समाप्त होगा। सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई और तब से लेकर अब तक हर वर्ष विजयदशमी के दिन अपने स्थापना दिवस को पथ संचलन के रूप में मनाता है। प्रयागराज में आज दुर्गा विसर्जन किया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जानकारी के मुताबिक विसर्जन से पहले महिलाएं मां दुर्गा को सिंदूर लगाकर लंबे सुहाग की कामना करती हैं। इसी कड़ी में प्रयागराज में भी मां दुर्गा को सिंदूर लगाने के बाद सिंदूर उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और वहाँ मौजूद सुहागन महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। रायबरेली में दशहरा मेला का शुभारंभ किया गया, वहीं माता रानी की मूर्तियों के विसर्जन का कार्यक्रम शुरू हो गया। जानकारी के मुताबिक भक्तों ने भींगते हुए माता रानी की मूर्तियों के विसर्जन को लेकर वाहनों से विसर्जन स्थल तक पहुंचे और मूर्तियों को भूमि विसर्जन किया। इसके साथ ही बारिश के बीच भक्त माता के जयकारों के साथ ढोल बाजों और थिरकते नजर आए। बड़ी बात यह देखने को मिली कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों से हादसे के बाद भक्तों ने माता की मूर्तियों को बैलगाड़ी से ले जाते दिखे। बता दें कि ऊंचाहार, डीह, डलमऊ समेत सेरनी आसपास के घाटों पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। रायबरेली जिले के डलमऊ थाना क्षेत्र के कान्हा रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को रेलवे ट्रैक से बाहर करवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जरूरी कार्रवाई पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई। फिलहाल युवक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पुलिस आसपास के गाँव में शिनाख्त करवा रही है। वही रेलवे ट्रैक से कुछ ही दूरी पर युवक की साइकिल पड़ी हुई मिली है, जिसको पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जांच पड़ताल करवाई जा रही है। संबल के चंदौसी मार्ग स्थित हसीना बेगम मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से सभी प्रकार की बीमारियां का इलाज बिल्कुल फ्री होगा, जिसका जिलाधिकारी मनीष बंसल ने फीता काटकर उद्घाटन किया और साथ ही इसी के साथ अन्य हॉस्पिटल वालों से भी आयुष्मान कार्ड से जुड़ने के लिए अपील की, जिससे संभल के लोगों को इसका अधिक से अधिक लाभ लोगों तक पहुंचे। इसी के साथ ही सीएम की टीम का हसीना बेगम हॉस्पिटल स्वामी को धन्यवाद किया। आयुष्मान भारत योजना जो है ये एक बहुत ही जन उपयोगी योजना है भारत सरकार की, और इसको प्रदेश सरकार ने भी लागू किया है।
संभल में मैंने देखा जब मैं आया था कि सिर्फ दो ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस योजना से इम्पैनल्ड थे, तो हमने कोशिश करी कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन सभी के मैनेजमेंट को हमने बुला के उनको बोला कि इस योजना में अपने आप को इम्पैनल करें। उसी के तहत इस अस्पताल को, हसीना बेगम अस्पताल को, और साथ ही साथ टोटल 4 और अस्पतालों को हम लोगों ने यहाँ पे इम्पैनल किया है। इससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, जो सुविधाएँ लोगों को अक्सर मुरादाबाद जाकर लेनी पड़ती हैं वो यहाँ के ही अस्पतालों में उनको, ये पूरी कैशलेस सुविधा है। 5 लाख रुपए तक का एक प्रकार से हेल्थ बीमा है, जो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी ऐसी कोई इमरजेंसी होती है या कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके लिए उसको भर्ती होना पड़ता है, तो उसको 5 लाख रुपये तक का प्रतिवर्ष प्रति परिवार जो है बिल्कुल निःशुल्क उपचार मिलता है। शाहजहाँपुर में दशहरे के दिन रावण दहन से पहले लोग रावण की पूजा करते हैं। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त और परम ज्ञानी के साथ उसके जैसा ज्ञानी आज तक पैदा नहीं हुआ। इसके ज्ञान के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। लंका के प्राचीन इतिहास में सबसे कुशल और सबसे बुद्धिमान राजा रावण ही था। इसी के चलते शाहजहाँपुर में पिछले 50 वर्षों से लगातार रावण के पुतले बनते ही लोग सुबह से ही दशहरे के दिन पूजने आ जाते हैं। प्रखंड विद्वान था, इसलिए यहाँ के बच्चे रावण की पूजा करते हैं ताकि उसी की तरह विद्वान बन सकें और जो है आगे अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकें। रावण कहते हैं लोग बहुत अहंकारी था, लेकिन अहंकारी तो था ही, लेकिन संग में उसका ये रीजन था कि उसने रावण सब जो सीता का हरण किया और वो चाहता था कि राम के हाथों हमको मोक्ष प्राप्त हो, इसलिए उसने सीता का हरण किया और उसने अपने सारे कुल का ही मोक्ष प्राप्त करवा दिया। क्योंकि रावण ने अपने कुल का सब जो कुछ भी किया उसने अपने कुल के लिए किया। यहाँ के लोग बहुत ही उत्सुक होते हैं जब रावण दहन की बात आ जाती है, क्योंकि माना जाता है कि रावण एक अहंकार व्यक्ति था, परंतु वह एक प्रखंड अज्ञानी और वह एक प्रखंड वैज्ञानिक व्यक्ति था। लोग कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ मोक्ष प्राप्त करने के लिए रावण ने सीता माता का हरण करा था, और इसी उल्लास के साथ लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ खूब धूमधाम से रावण का दहन करा जाता है। कहा जाता है कि रावण प्रखंड विद्वान था, उसे चारों वेदों का ज्ञान था, भगवान शिव का अनन्य भक्त था, उसने शिव स्त्रोत्र की भी रचना की थी जो भगवान शिव को बहुत ही रचना सुनकर भगवान शिव उसे अनन्य वरदान प्रदान किए थे। यहाँ तक कि भगवान शिव रावण के संग लंका जाने को भी तैयार हो गए थे, ऐसी मान्यताएँ चली आ रही हैं। रावण ने काल को भी जीता था, रावण के नवग्रह बंदी हुए थे जो हनुमान जी ने उन छुड़ाए भी, जब लंका में हनुमान जी ने प्रवेश किया तो छुड़वाया था। तो लोगों में एक मान्यता चली आ रही है, लोग रावण को ब्राह्मण रावण था, लोगों का कहना है कि रावण की अस्थियों को अगर हम घर में ले जाएंगे तो हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा, बच्चों को किसी भी प्रकार के डर और भय उत्पन्न नहीं होगा, काल जब जिसके यहाँ बंदी हो तो उसकी अस्थियाँ कितनी प्रभावशाली होंगी, इसलिए लोग यहाँ पर अस्थियाँ ले जाते हैं और बाकायदा सम्मान रावण की लोग पूजा करते हैं। सुल्तानपुर में दशकों से रावण का पुतला दहन होता चला आ रहा है। गबड़िया फ्लाईओवर पर दादपुर गांव के निवासी रावण का पुतला बना रहे अयोध्या प्रसाद व साथी कारीगर मिलकर इस बार भी पुतलों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। अयोध्या प्रसाद का कहना है कि इस बार वो 27 फुट का रावण का पुतला बना रहे हैं। श्री रामलीला ट्रस्ट समिति द्वारा आयोजित विजयदशमी पर रावण का पुतला दहन देखने शहर के अलावा ग्रामीण अंचलों से काफी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ पुतला दशहरा देखने के लिए पहुंचते हैं। इसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और जिला अधिकारी रवीश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा की मौजूदगी में श्रीराम ट्रस्ट समिति के पदाधिकारियों के नेतृत्व में रावण का पुतला दहन होगा। रावण एक जो है प्रखंड विद्वान था, इसलिए यहाँ के बच्चे रावण की पूजा करते हैं ताकि उसी की तरह विद्वान बन सकें और जो है आगे अपना भविष्य बहुत अच्छा बना सकें। रावण कहते हैं लोग बहुत अहंकारी था। वाराणसी में रेल इंजन कारखाने में विजयदशमी की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही रेल इंजन कारखाना में भी रावण का पुतला दहन किया जाएगा। वहीं बनारस के बरेखा में भी दशहरे की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें रावण का पुतला 75 फीट, कुंभकर्ण का 70 फीट और मेघनाथ का पुतला 65 फीट का होगा और देर शाम में रावण दहन किया जाएगा। इस मौके पर पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।
बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, जिसके आज विजय दिवस के रूप में दशहरा मनाया जाता है। हम इस वक्त मौजूद हैं बनारस के बरेका गार्डन में, जहां 1975 से ये परंपरा शुरू हुई है और आज तक मनाई जाती है। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे, देखिए यहां पर रावण की जो तस्वीर बनाई गई है वो 75 फीट ऊंची है, जिसे बनाया गया है। उसके ठीक बगल में आपको बता दें कि कुंभकर्ण की जो तस्वीर है वो 70 फीट इसकी ऊंचाई है, और वहीं आपको बताएंगे कि मेघनाथ की जो तस्वीर है वो 65 फीट इसकी ऊंचाई है। आपको बता दें कि ये जो बनाया, कल थोड़ी सी बारिश के कारण यहाँ थोड़ी दिक्कतें हुई थी, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि थोड़ा कागज़ वगैरह फट गया है। इसकी रिपेयरिंग की तैयारी की जा रही है, और क्रेन आप देख रहे हैं कि क्रेन आ चुका है, इसकी रिपेयरिंग की तैयारी भी की जा रही है। तैयारियाँ लगभग पूरी तरीके से है, इसमें 2-3 घंटे का समय लगेगा, इसको भी तैयार किया जाएगा। और जो लोग 75 से इसको बनाते हैं, वो लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, शमशाद खान। सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं, गंगा जमुना की जो तहजीब है, जो जिसे कहा गया है बनारस में गंगा जमुना की तहजीब, शमशाद खान के द्वारा या उनके इसके पहले भी उनके पूर्वज के द्वारा ये बनाई गई है। एक ही परिवार के लोग तब से बनाते चले आ रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं शमशाद खान जी। मैं इनसे बात करूँगा और जानूंगा कि किस तरीके से ये इसको तैयार करते हैं। शमशाद जी, कब से इसको आप बना रहे हैं, क्या इसकी तैयारी करते हैं? ये करीब 1-1.5 महीने से मैं बना रहा हूँ, और पूरा परिवार हमारा लपट के इसको करता है, और कुछ रिश्तेदार भी हैं हमारे साथ में, लग के काम किया जाता है। इसमें किस किस तरह का मटेरियल का प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसमें पहला है तो बांस लगता है, 80 पीस बांस लगता है, और 1.5 क्विंटल पेपर लगता है, और 150 पीस साड़ी लगता है, 1.5 क्विंटल मैदा लगता है, 70 किलो से 80 किलो के बीच में तांत आता है वो लगता है, उसके बाद 25 किलो सुतली लगता है, और 20 लीटर पेंट लगता है चेहरे बनाने के लिए। अब बाकी करीब 15 से 20 किलो ये कलर लगता है, कच्चा कलर। कितने दिनों में तैयार कर लेते हैं आप इसको बनाने के? जैसे ये काम जो है, ये काम 2 महीने का है, लेकिन इस बार 1.5 महीने के आसपास लगा है। बहुत बहुत जल्दी हो गया, रातों दिन काम। कितने वर्षों से आप इसको बना रहे हैं? इसको हम जो है कि 20 साल से बना रहे हैं। इसके पहले हमारे नाना जी बनाते थे, स्वर्गीय बाबू खान। तो आप देखिए कि 20 साल से ये बना रहे हैं, इसके पहले इनके नाना जी बनाते थे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, गौरव सिंह जी मौजूद हैं, जो कि संस्थापक यहाँ के हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। गौरव जी, इसको जरा विस्तार से बताएं कि किस तरीके से। हम लोग संस्थापक में नहीं है, उसको व्यवस्थापक में कह सकते हैं। संस्थापक स्थापना तो इसकी जो है, स्थापना 1975 हमारे जन्म से पहले से हुई है। अभी आज की डेट में हम इसमें सचिव दशहरा हैं हमारा, और इसका अभी आपने शमशाद जी से बात किया, उन्होंने बताया कि लगभग कितने वर्षों से बन रहा है। यहाँ पर हमारे ग्राउंड में सिटिंग अरेंजमेंट है, करीब 6,000 से 7,000 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जिसके अलग अलग पास डिस्ट्रीब्यूट हैं, और बाकी अलग अलग एंट्री है, ये आम पब्लिक के लिए खुला हुआ रहता है। तो सर 1975 से ही किया जा रहा है यहाँ पर? जी जी जी, लगभग। तो आप लोग के द्वारा एक जो कार्यक्रम किया जाता है 3.5 घंटे का, वो क्या है उसको? यहाँ पर एक 3.5 घंटे की एक राम वनगमन से लेकर के और रावण वध तक की एक मोनो एक्टिंग की जाती है। इसका मतलब ये रहता है कि जो मंच से बोला जाता है और बच्चे उसकी एक्ट जो है वो ग्राउंड में प्ले करते हैं उसको, और ये हम मेरे ख्याल से इंडिया में अकेला रामलीला ऐसा होगा जिसमें मोनो एक्टिंग की जाती है। लगभग कितने लोग यहाँ पर आने की? ग्राउंड में तो लगभग 50,000 की लगभग हो जाती भीड़, लेकिन सराउंडिंग में लगभग 1.5 लाख रुपये लोग रहते हैं, 1.5 लाख की भीड़ रहती है जो हमेशा रोटेट करती रहती है। और चूँकि चेयर का कितना इंतजाम है? चेयर के इंतजाम लगभग 7,000 लगभग रहता है चेयर। तो आपको बता दें कि लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोगों के आने की संभावना यहाँ पर रहती है, और लोग पूरे श्रद्धा के, हालांकि 2 साल कोविड के वजह से लोग दशहरा नहीं मना सके, लेकिन इस बार जो है पूरे हर्षोल्लास के साथ लोगों में ये इतना खुशियाँ हैं, और 1.5 से 2 लाख के तादाद में लोग आएंगे और यहाँ दशहरा मनाएंगे। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफताब आलम। गोंडा जिले में लोग जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा करते दिखे। जानकारी के मुताबिक जिले में मां खैरा भवानी मंदिर में भारी भीड़ थी,
यहाँ पर किलोमीटर दूर से लोग अलग अलग साधनों से चलकर दर्शन करने व मुंडन कराने के लिए पहुंचे। वहीं एक ट्रैक्टर ट्रॉली से दर्जनों की संख्या में महिलाएं एवं बच्चे दर्शन करने पहुंचे और यात्रा करते समय एक जगह सड़क पर गुजरते वक्त ट्रॉली एक तरफ झुक गई और पलटने से बच गई। बता दें ट्रॉली में जगह पुल होने से महिलाएं और बच्चे किनारे सहारा लेकर खड़े होकर यात्रा कर रहे थे। गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। आज हमको टीवी न्यूज मिला था कि लोग मेला में जा रहे थे और ट्रैक्टर ट्राली से थे, जिसके वजह से वो घटना हो गई, तालाब में ट्राली गिर गई। जिगना बाजार से आए हैं जी, ठहरन जा रहे हैं माता जी के मंदिर पे। मतलब किस वजह से? कोई मुंडन समारोह? हाँ, मुंडन ही है जी। जी मुंडन। मुंडन तो कितने लोग बैठे होंगे इसमें? अब जितने हुए गिनती नहीं किया हूँ। बहुत सारी महिलाएं बैठी हैं। हाँ, महिलाएं तो ही। ट्रैक्टर ट्राली लोग भर भर के आ रहे थे, ऐसे लोग को नहीं आने चाहिए था। निकल तरीका मंदिर दर्शन करने आ रहे थे या मुंडन कराने, जो भी कराने आ रहे हो उससे हमको मतलब नहीं है, मगर लोग जा रहे थे। काफ़ी लोग बलरामपुर साइड में जा रहे, बाकी लोग यहाँ आ रहे थे ट्राली ट्रैक्टर में बैठ करके। काफ़ी लेडीज भरी हुई थी, बच्चे भरे हुए थे। निकल तरीका था ये। चाची क्या नाम है आपका? लखरा जी। कहाँ से आई हैं? भरवसी। कहाँ आई हैं? माता जी के मंदिर पर, खैरन भवानी मुंडन करावे नाती के। तो ये बताइए कि ट्राली किससे आप लोग बैठ के आए हैं? ट्राली से। तो ट्राली में तो 50 से ज्यादा लोग बैठे थे। हाँ, कोनो घटना ना हो, माता जी के सख्त शक्ति है। कहाँ जा रही हैं? कहाँ गए थे? मंदिर गए थे। मंदिर जा रही हैं? हाँ। तो ट्राली में आप लोग किनारे खड़े, छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अभी कानपुर में बड़ी घटना हो गई, काफी लोग मर गए हैं, तो डर नहीं लग रहा है? नहीं डर लगा। क्यों डर नहीं लग रहा है? माता जी रक्षा करती है। माता जी रक्षा करेंगे। कासगंज जिले में सोरो थाना क्षेत्र के गांव मीरापुर में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें कई श्रद्धालु घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक श्रद्धालु कर्णवास बैलोन में से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। बाइक सवार को बचाने को लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई थी। देखिए, ये सोरों थाना क्षेत्र का मीरापुर गांव है। यहाँ पे एक सूचना मिली थी कि दो बाइकों के बीच में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें पीछे से एक ट्रैक्टर आ रहा था। ये ट्रैक्टर 3 दिन पहले बुलंदशहर गया हुआ था माता रानी के दर्शन के लिए, वहाँ से ये लोग लौट रहे थे। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के ये लोग रहने वाले हैं। तो इस दुर्घटना में बाइक वालों को चोट लगी है और 2 लोगों को अलग से चोट आई है। टोटल 6 लोगों को अभी हमने इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा है। घटना है भाई, मोटरसाइकिल मान में टक्कर भाई, ट्रैक्टर वाले ने बचाओ, ट्रैक्टर बचान में ट्रैक्टर को पलटन में गांव के लोग आते हैं, खेती में काम करते थे, वे लोग भर के आए, ट्राली उठाई था, 10-15 लोग घायल बने गाँव में, और मोटरसाइकिल मारे घायल बन के अपना आप सही में टकरा गिरे। उन्नाव में हिंदू जागरण मंच ने शहर के सिविल लाइन कार्यालय में विजयदशमी पर पारंपरिक रूप से मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी बिमल द्विवेदी के नेतृत्व में एक विशाल पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ सदर विधायक पंकज गुप्ता व मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी बिमल द्विवेदी ने दीप जलाकर पूजा अर्चना कर किया। इसके साथ ही हिंदू जागरण मंच के कई कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए मोदी सरकार को हिंदू समाज की ओर से बधाई भी दी गई। समाज के अंदर भी कहीं ना कहीं ऐसी तमाम बुरी शक्तियां बल बढ़ रही हैं, जो सनातन धर्म को लगातार क्षति पहुंचा रही हैं। ऐसे लोगों से लड़ने के लिए हमको पूरी तरह तैयार रहना होगा और हम जब भी समय आए या जब भी समय में उपयोग हो तो हम अपने शस्त्रों का प्रयोग करें। मैं हृदय से आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज जिले में नौमी हवन के बाद से 10वीं के दिन से रावण दहन के साथ दशहरा मेला का प्रारंभ शुरू हो जाता है। बता दें कि 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो गई थी। इस दिन से 9 दिनों तक मां नवदुर्गा के 9 शक्ति के रूपों की पूजा की जा रही थी। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा पंडाल व गुफा में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ रही है।
क्योंकि कोलकाता के बाद सुल्तानपुर में ही दुर्गा पूजा दशहरा भव्य रूप से मनाया जाता है और सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा और दशहरा दूसरा स्थान पर माना जाता है। खास बात यह है कि यहाँ नवरात्र के दशमी के दिन देश में माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है, तो वहीं इस दिन से यहाँ दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है और यह पूर्णिमा तक मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि सब समूचे देश भर में विसर्जन हो जाता है, तो सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा दशहरा अपने भव्य रूप में होती है, जहां देश विदेश के लोग यहां दुर्गा पूजा दशहरा को देखने के लिए आते हैं। सुल्तानपुर एक ऐतिहासिक जनपद है त्योहारों के दृष्टिकोण से, और यहां पर 100 वर्ष के पूर्व से यहां रामलीला मैदान में रामलीला का सफल मंचन हमेशा होता आया है। आज रावण दहन का कार्यक्रम है जो शहर के रामलीला मैदान के निकट रावण का दहन होगा, और दुर्गा पूजा की अगर हम बात करें तो सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा अपने आप में ऐतिहासिक है। बंगाल के बाद सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा दूसरे नंबर पर मानी जाती है। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा की शुरुआत स्वर्गीय भिखारी लाल सोनी जो बिहार से आए थे ठठेरी बाज़ार सुल्तानपुर में, उन्होंने बड़ी दुर्गा माता की स्थापना 1959 में किया। उसके बाद रोहट्टा गली में बंगाली प्रसाद सोनी और प्रेमचंद साहू जी के द्वारा एक काली माता की पूजा की स्थापना की गई। उसके बाद जो है शहर में तमाम प्रतिमाएं लगती गई, कारवां बढ़ता गया, माता जी का विस्तार होता चला गया। यहाँ पर जो पंडाल बनते हैं वो पूरे भारत के जो विभिन्न मंदिरें हैं, जैसे केदारनाथ हो गए, बद्रीनाथ हो गए, वैष्णो माता हो गई, ऐसे तमाम मंदिरों का स्वरूप यहाँ दिया जाता है, जो पूरे प्रदेश में बहुत विख्यात है और पूरे प्रदेश के लोग यहाँ मेला घूमने आते हैं। और हमारा पूरा मोहल्ला इस कार्यक्रम में सम्मिलित रहता है, हर एक इंसान की इसमें साझेदारी रहती है। और हमारा इस बार स्वर्ण जयंती वर्ष है, 1973 में पहली बार इस प्रतिमा का अवलोकन हुआ था, जो कि हर साल इसी स्थान पर दशहरे के दिन से मेले का आयोजन कराया जाता है। पुर से जिले में नौमी हवन के बाद से दसवीं के दिन रावण दहन के साथ दशहरा मेला का प्रारंभ शुरू होता है। बता दें 26 सितंबर से नवरात्रि की शुरुआत हो गई थी। इस दिन से 9 दिनों तक मां नवदुर्गा के 9 शक्ति के रूपों की पूजा की जा रही थी। सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा पंडाल व गुफा में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि कोलकाता के बाद सुल्तानपुर में ही दुर्गा पूजा भव्य रूप से मनाया जाता है और सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा और दशहरा दूसरा स्थान पर माना जाता है। खास बात यह है कि यहां नवरात्र के दशमी के दिन देश में माँ दुर्गा का विसर्जन किया जाता है, तो वहीं इस दिन से यहाँ दुर्गा पूजा की शुरुआत होती है और यह पूर्णिमा तक मनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब समूचे देश भर में विसर्जन हो जाता है, तो सुल्तानपुर में दुर्गा पूजा अपने भव्य रूप में होती है, जहां देश विदेश के लोग दुर्गा पूजा दशहरा को देखने के लिए आते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सुल्तानपुर से आशुतोष श्रीवास्तव जुड़े हैं। आशुतोष, पूरे देश में दशहरा और नवरात्र की धूम है, आप सुल्तानपुर में हैं, कैसा माहौल वहां देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बता रहे हैं, सुल्तानपुर का आज पूरे ही मेले का शुभारंभ हो गया है, जिसको लेकर मौसम इतना ज्यादा विकराल रूप ले लिया है कि लगभग 2 से 3 दिन के लिए बारिश का भी संकेत दिया है। आपको हम यहाँ का नजारा भी दिखा रहे, जिस तरह बारिश हो रहा है, लोगों के सन्नाटा भी पस रहा है, लोग किनारे खड़े हैं, हम अपने कैमरे मैन से कहेंगे इस तरह दिखाने की कोशिश है जिस तरह बारिश हो रही है और आज का मेले का क्या असर दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं
सुल्तानपुर का आज दशहरे का पहला दिन है, जो काफी जो है भीड़ भी रौनक की देखने मिल रही थी, वो आज पूरा बारिश के कारण फीका हो गया है। आशुतोष, तो अभी कैसा माहौल है बारिश को देखते हुए? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरह बारिश हो रहा, बारिश होने के कारण रोड एकदम पूरा सन्नाटा पसर गया है। लगभग आधे एक घंटे से बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी के साथ अगर देखा जाए तो लगातार अगर बारिश होता रहा तो सुल्तानपुर का जो ऐतिहासिक परंपरा जो दुर्गा पूजा मनाया जा रहा था वो खाली नजर आएगा रोड। जी आशुतोष, और जगह से सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा कैसे अलग है? जी अगर हम बात करते हैं और जिलों को लेकर, जैसे और जिलों में जो है जी, एक दिन नवरात्र में ही जो है सब कुछ तैयारी होती है, नवरात्र के बाद दशमी के दिन विसर्जन हो जाता है। सुल्तानपुर में जो है नवमी के बाद से यहाँ पे शुरू होता है, जिसको लेकर जो है 4 दिन का मेला भी चलता है। 8 तारीख को जो है हवन होने के बाद 9 तारीख को विसर्जन शोभा यात्रा के लिए सीताकुंड धाम के लिए विसर्जन होती है। जी और अभी रावण दहन को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? रावण दहन को लेकर अगर हम बात करते हैं, प्रशासनिक द्वारा जो है उस समय काफी तैनात भी किए गए थे, लेकिन जिस तरह लोगों की भीड़ होनी थी दिखनी थी उस हिसाब से भीड़ तो हो नहीं पाई, मौसम बहुत ही ज्यादा खराब था। और इसी के चलते अगर हम बात करें, हम आपको लगभग बता दें दूर दराज के लोग लगभग 1000-2000 के बीच में संख्या में भीड़ होती थी, लेकिन इस बार कोई भीड़ का नजारा हमको भी नहीं दिखा और कार्यक्रम को लेकर एक शांतिपूर्वक कार्यक्रम भी चलता नजर आया है। जी धन्यवाद आशुतोष तमाम जानकारियों के लिए। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।